Hello everyone, welcome back to our channel Egyan School. So students, today I'm going to start class 12 CS syllabus. तो syllabus की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो topic आता है that is review of Python basics. जो भी आपने class 11th में Python के basics पढ़े हैं उनका हमें सबसे पहले revise करना होगा. उसी के बाद हम आगे के topics पढ़ेंगे. तो start करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है Python एक high level language है और ये हम two modes में इसको यूज करते हैं. फर्स्ट इज इंटरैक्टिव मोड और सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड. तो देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं. सो जब हम पाइथन ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले विंडो आती है दैट इज इंटरैक्टिव मोड. तो इसमें क्या होता है, इस मोड में ये होता है जब हम कोई भी कमांड देते हैं तो उसका आउटपुट हमें सेम स्क्रीन पे मिल जाता है. तो देखिए सपोज मैं यहाँ पर कमांड दे रही हूँ, प्रिंट कमांड दे रही हूँ और मैंने वर्ड टाइप कराया हेलो, ठीक है. तो देखिए इसका आउटपुट हमें सेम यही की यही मिल गया है. तो ये जो ये मोड है इंटरैक्टिव मोड है. अब अगर हम फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल खोलते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट हेलो, ठीक है. एंटर किया तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला. अब हमें इस मोड में, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, तो इस मोड में हमें अपना प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस फाइल को सेव करनी होगी. तो सेव कर देते हैं. तो सेव करते हैं हेलो नेम से. .py सेव किया हमने. अब इसको रन करते हैं. तो जब हम रन करेंगे तो देखिए जो अब हमें फिर से दोबारा से ये दूसरी विंडो में हमें आउटपुट मिला है. तो इस तरह से जो हमने अपने प्रोग्राम को रन किया है ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है और जो हमने पहले सेम स्क्रीन में जहां हमें आउटपुट मिल रहा था दैट इज इंटरैक्टिव मोड. अब बात करते हैं टोकन की. टोकन क्या होता है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी टोकन कहलाती है. टोकन को हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं और हमारे पाइथन में फाइव टाइप्स के टोकन्स होते हैं. फर्स्ट हो गया हमारा कीवर्ड, सेकेंड हमारा आइडेंटिफायर, थर्ड हमारा लिटरल, फोर्थ हमारा ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ हमारा पंक्चुएटर्स. अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आपने इलेवेंथ क्लास में भी पढ़े हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक उनकी फंक्शनिंग होती है. तो उनको जो उनका फंक्शन होता है उनको वहीं पर यूज करते हैं. तो देखते हैं कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच प्रोवाइड्स अ स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर को जो एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. ये हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं एंड दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल नेम और एनी अदर पर्पस, ठीक है. आप जो देख रहे हो टेबल, इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉल्स, फॉल्स आपको पता है बूलियन वैल्यू है, ठीक है. ट्रू भी बूल वैल्यू है. नन हमारा स्पेशल लिटरल है. तो डेफ है जो ये हमारा क्लास को डिफाइन करने के लिए डेफ वर्ड यूज होता है, क्लास क्लास के लिए यूज होता है, ठीक है. ब्रेक जो होता है, ब्रेक प्रोग्राम को कहीं भी ब्रेक करने के लिए, कंटिन्यू कंटिन्यू करने के लिए. तो जो भी ये वर्ड्स हैं इनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग है और जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है किस वर्ड का क्या मीनिंग है. तो ये हमारे होते हैं कीवर्ड्स होते हैं. अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये ऐसे ब्लॉक होते हैं जिनको हम अपने यूजर के अकॉर्डिंग नेम दिया जाता है और इनको हम एज ए वेरिएबल, एज ए ऑब्जेक्ट, एज क्लासेस, मतलब हम कुछ भी उनको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है. तो इनकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं. क्या होती हैं, सबसे पहले तो यही है कि ये लेटर्स और नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है. उसके बाद जो कंडीशन आती है, एन आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर. तो जो आइडेंटिफायर होता है वो या तो अल्फाबेट से बिगिन होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से. अगर नंबर से बिगिन होगा तो वो हमारा आइडेंटिफायर काउंट नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद हमारे नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है. पाइथन इज केस सेंसिटिव, ये आपको पता है कि ये स्मॉल लेटर्स को एज ए स्मॉल लेटर ट्रीट करता है और कैपिटल लेटर को कैपिटल लेटर ट्रीट करता है, ठीक है. ये दिखा हुआ भी है, अपर केस कैरेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम लोअर केस कैरेक्टर. कैपिटल पी एंड स्मॉल पी आर डिफरेंट फॉर इंटरप्रेटर, ठीक है. उसके बाद आते हैं
आइडेंटिफाई की जो लेंथ होती है वो हमारी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एंड आइडेंटिफायर, अभी आपने पढ़ा है कीवर्ड में जो भी कीवर्ड होते हैं वो उनका स्पेशल मीनिंग होता है, तो हम उनको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। के बाद आता है स्पेस एंड स्पेशल सिंबल आर नॉट परमिटेड इन एन आइडेंटिफायर नेम एक्सेप्ट एन अंडरस्कोर। सिर्फ जो हमारा स्पेशल सिंबल होता है अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, बाकी स्पेस कुछ भी नहीं आएगा। नंबर हो गए हमारे, अल्फाबेट्स हो गए और अंडरस्कोर आ गया, जिसमें कि कंडीशन एक ये भी है कि जो हमारा आइडेंटिफायर होगा वो सिर्फ या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो जैसे ये हो गया माई फाइल, डेट, ये सब जो है दोनों अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे सारे आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। इनवैलिड देखते हैं, इनवैलिड में देखिए फर्स्ट वाला इनवैलिड कैसे हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पर डैश आ गया, ठीक है। सेकेंड किस लिए इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर टू आ रहा है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। ब्रेक किस लिए इनवैलिड है, क्योंकि ब्रेक ऑलरेडी कीवर्ड है, ब्रेक का कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। माई डॉट फाइल, इसमें यहाँ पर डॉट आ गया, ये इसलिए हमारा इनवैलिड हो गया, ठीक है। सो अब थर्ड आता है लिटरल। लिटरल क्या होते हैं, लिटरल हमारे जैसे कॉन्स्टेंट होता है और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग आपको पता है या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में कुछ भी होगा, मींस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वो लेटर और सिंबल का, तो वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। न्यूमेरिक इन लिटरल्स में क्या आ गए, न्यूमेरिक लिटरल्स में हमारे नंबर आ गए, जितने भी टाइप के नंबर्स हमारे यूज होते हैं, सिंपल इंटीजर नंबर हो गया, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो जितने टाइप के भी हमारे नंबर हैं ये हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स में आ गए। नेक्स्ट आता है हमारा बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल टू टाइप्स के होते हैं, ट्रू और फॉल्स, और लास्ट है हमारा स्पेशल लिटरल, दैट इज नन। नन हमारा स्पेशल लिटरल होता है जिसका मीनिंग नन होता है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की। स्ट्रिंग लिटरल हमारा होता है, अभी आपने पढ़ा है स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स सिंगल डबल और ट्रिपल। हमारे थ्री टाइप्स के जो होते हैं कोटेशन इसमें यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, सबसे पहले आते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन में क्या है, हम डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डबल कोट्स हैं और यहाँ पर सिंगल कोट्स हैं, तो ये दोनों स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। नेक्स्ट आती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग देखिए हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड तो है हमारा, इसमें क्या होगा, हमने स्टार्ट किया सिंगल कोट हेलो दिया, उसके बाद हमने ये स्लैश लगाया और नेक्स्ट लाइन में हमने वर्ड लिख दिया। जब हम इसको रन करेंगे तो जो ये आएगा, रन होके आएगा, ये पूरा वन लाइन में आएगा, मीन्स हेलो वर्ल्ड जो होगा वो एक ही लाइन में लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा आता है ट्रिपल, ट्रिपल कोट्स में। ट्रिपल कोट्स में भी अगर हमने ये लिखा है, दैट मीन्स जब हम इसको रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हमारा एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब आता है हमारा न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल की बात करते हैं तो ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। इंटीजर मैंने अभी बताया है, इंटीजर जो होते हैं हमारे साइंड इंटीजर होते हैं, या डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी होता है, हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी, ठीक है। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट भी हमारा टू टाइप का है। फ्लोट एक तो सिंपल हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, और सेकेंड है हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म, जिसमें हम ई की पावर में हम उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। इलेवेंथ क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये, यहाँ पर हम इसका सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर होते हैं इस फॉर्म में, जिसमें हमारा आई होता है, इस फॉर्म में हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स में क्या होगा, आपको पता है ट्रू वैल्यू होती है, फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। स्पेशल लिटरल भी आपको पता है नन जो होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, विच मीन्स नथिंग, दैट इज नन। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमारे आइडेंटिफायर या फिर ऑपरेंड्स पर अप्लाई किए जाते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ट्रिगर्स सम एक्शन व्हेन अप्लाइड टू आइडेंटिफायर एंड ऑपरेंड्स। या तो आइडेंटिफायर पर अप्लाई किए जाते हैं या फिर ऑपरेंड पर। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ए और बी है, जिस पर हमारा यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हेयर ए बी सी आर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स आर
इक्वल टू एंड प्लस विच आर परफॉर्मिंग डिफरेंटली। ठीक है, उसके बाद आते हैं पंक्चुएटर। पंक्चुएटर आपको पता ही है, पंक्चुएटर आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम एंड टू मेक बैलेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेटमेंट्स। पंक्चुएटर हैव देयर ओन सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, कॉमा हो गया, हैश हो गया, स्लैश हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, जितने भी टाइप के एट द रेट, ठीक है, ये हमारे पंक्चुएटर्स हो गए। अब आते हैं डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो पाइथन में अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा नंबर हो गया। नंबर में कौन कौन से आ गए हमारे, इंटीजर नंबर आ गए, इंटीजर में ही हमारा बुलियन आ गया, क्योंकि इंटीजर जो बुलियन वैल्यू होती है वो जीरो वन को डिनोट करती है, जीरो फॉल्स को करता है, वन ट्रू को करता है, तो ये इंटीजर में ही आ जाती है बुलियन वैल्यू। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट आ गया और कॉम्प्लेक्स आ गया। नन हमारा एक डिफरेंट डेटा टाइप है जिसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। सीक्वेंसेस में हमारे ये आ गए, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। स्ट्रिंग अभी आपने पढ़ा है, स्ट्रिंग जो होती है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में होती है, और टपल हमारा पैरेंथेसिस में होता है। ठीक है, लिस्ट जो होती है वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। ठीक, और जो मैपिंग्स है, मैपिंग्स में आगे हमारा डिक्शनरी, डिक्शनरी हमारी कर्ली ब्रैकेट्स में होती है। अब आता है वेरिएबल और वैल्यू होती क्या है पाइथन में। तो इसमें क्या होता है, हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 10 असाइन कर दी है, तो ए हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और 10 क्या हो गई, 10 हमने इसको वैल्यू दे दी है। तो देखते हैं अब यहाँ पर, इन पाइथन वैल्यूज आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट। पाइथन में जो वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो जो यहाँ पर हमने ए को वैल्यू 10 दी है, और 10 को क्या डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड देयर वेरिएबल नेम आर एक्चुअली देयर रेफरेंस नेम। तो जो वेरिएबल नेम हो गया हमारा, ये हमारा रेफरेंस नेम हो गया। सपोज वी असाइन 10 टू वेरिएबल ए, तो ए इज इक्वल टू 10 हो गया, तो 10 हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ए क्या हो गया, ए हमारा रेफरेंस नेम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने क्या किया था, ए को वैल्यू 10 असाइन की थी। अब हमने क्या करा है, इफ वी असाइन 10 टू अ वेरिएबल बी, अब हमने बी को भी वैल्यू 10 असाइन कर दी, तो अभी क्या होगा, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों सेम लोकेशन पर होंगे। ठीक है, जिसका एड्रेस क्या होगा, 10 होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू चेंज कर देते हैं, बी की वैल्यू हमने 20 कर दी। ठीक है, तो क्या होगा, अब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, कौन सी लोकेशन पे, 20 पे, तो 20 पे बी हो जाएगा और 10 पे हमारा ए रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या होता है, वेरिएबल्स हम असाइन करते हैं और वो एक दूसरे लोकेशन पर असाइन हो जाते हैं। आप अपने डेटा टाइप्स तो पढ़ लिए पाइथन के, तो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी आती है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो कुछ डेटा टाइप्स जो होते हैं वो तो म्यूटेबल होते हैं और कुछ इम्यूटेबल होते हैं। अब मतलब क्या होता है म्यूटेबल का, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, मीन्स जिनको हम इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू इंडिविजुअली हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे म्यूटेबल होते हैं, और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, नॉन चेंजेबल, वो हमारे इम्यूटेबल होते हैं। तो जो म्यूटेबल है वो हमारे थ्री टाइप्स के हैं, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट, और इम्यूटेबल हमारे इंटीजर है, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग एंड टपल। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। पाइथन जो होता है कितने टाइप के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए हमने टू वेरिएबल्स ले लिए हैं, तो एक ए को वैल्यू असाइन कर दी है 10 और बी को असाइन कर दी है 20। तो अब इन्हीं वैल्यू से हम देखेंगे सारे ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आता है हमारा एडिशन। एडिशन क्या करेगा, एड्स वैल्यू ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर, दोनों वैल्यू को ऐड कर देगा। तो ए की वैल्यू है हमारी 10 और बी की 20 है, तो इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा हमारा 30। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या करेगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो 10 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 10 इंटू 20 200 आ जाएगा। डिविजन में क्या होगा, ये डिवाइड कर देगा, बी अपोन ए हो जाएगा, यानी कि 20 डिवाइड बाई 10, तो हमारा रिमाइंडर डिवाइड करके 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मॉड्यूलो, इसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। ये क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न कर देता है। डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न्स रिमाइंडर। तो जब बी को ए से डिवाइड करेगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर बी की वैल्यू है 20,
वी की वैल्यू है यहाँ पर 20 और ए की वैल्यू है 10, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 10 को 20 से तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या कर देता है, परफॉर्म्स एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेटर। तो देखिए ए एक्सपोनेंट बी है, दैट मींस ए की वैल्यू हमारी 10 है और बी की वैल्यू 20, दैट मींस इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 20 हो जाएगा। तो इसका जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारे एक्सपोनेंट का मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या कहता है, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डिवाइड करता है, नॉर्मल डिवाइड करने के बाद जो भी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि अगर डिवाइड करके फ्रैक्शन में आता है हमारा आंसर, तो क्या कर देता है, उसके डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को स्किप कर देता है। द डिविजन ऑफ ऑपरेंड्स वेयर द रिजल्ट इज द क्वोशेंट इन विच द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिमूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल, हम डिवाइड करते हैं और अगर हमारा आंसर पॉइंट में आता है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम स्किप कर देते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, सबसे पहले हमारा है 9 का फ्लोर डिविजन कर रहे हैं 2 से, तो जब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 आएगा, लेकिन हमें फ्लोर डिवीजन निकालना है तो हम इतने पोर्शन को रिमूव कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो इसलिए आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे ही अब 9.0 है, इसका फ्लोर डिवीजन हमें करना है 2.0 से, तो डिवाइड करेंगे सेम वही आ जाएगा, तो अब हमारा पॉइंट में है दोनों नंबर, तो हमारा 4.0 आ जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6.5 का फ्लोर डिवीजन है 2 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू स्किप करी और सिर्फ इंटीजर पार्ट लिया है, तो 3.0 आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन इसने दी है, बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज नेगेटिव द रिजल्ट इज फ्लोट, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी हमारी, अगर एक भी वैल्यू हमारी नेगेटिव है, दैट मीन्स -11 को हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं 3 से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू फ्लोर हो जाएगी, दैट मीन्स ये -4 हो जाएगा। तो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसने कहा है बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज नेगेटिव द रिजल्ट इज फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाती है, तो जब हम -11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जो वैल्यू है हमारी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी। इसमें लिखा है रिजल्ट इज फ्लोर्ड, और फ्लोर वैल्यू क्या होती है, जो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो हमारा आंसर आ जाएगा, तो जब नेगेटिव में हम चलेंगे तो लार्जेस्ट -4 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हम रिलेशन देखते हैं, तो वैल्यू हमारी एज इट इज वही है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो सबसे पहले आता है हमारा इक्वल इक्वल ऑपरेटर। ये चेक करता है कि जो दोनों ऑपरेंड है वो क्या आपस में इक्वल है, इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या है, ए की वैल्यू 10 है बी की वैल्यू 20 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा इज नॉट ट्रू आ जाएगा, मीन्स या तो फॉल्स आ जाएगा या फिर इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब दूसरा है हमारा नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है हमारा सेकेंड वाले का नॉट इक्वल टू, इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू, तो दोनों इक्वल नहीं है तो इस बार हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है, ये भी सेम नॉट इक्वल टू की जैसा ही है, इफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये है हमारा ग्रेटर देन का, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड देन कंडीशन बिकम ट्रू, तो क्या ऐसा है, नहीं है, क्योंकि हमारे वैल्यू है 10 इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लेस देन वाला, तो इसमें क्या बैठ रही है कंडीशन, ए 10 इज लेस देन 20, तो 10 छोटा होता है 20 से, दैट मीन्स ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,
तो ना ही ये ग्रेटर है ना ही ये इक्वल है, तो इसलिए ये वाली भी इज नॉट ट्रू। लास्ट वाली में क्या है, ए 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो इसमें यहाँ पर ट्रू हो जाएगा क्योंकि 10 इज लेस देन 20, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू असाइन करने का। तो ठीक है, सबसे पहला है हमारा इक्वल टू, तो ये क्या करता है, असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी क्या करेगा, असाइन करेगा वैल्यू इंटू सी, असाइन वैल्यू ए प्लस बी इंटू सी। हमेशा क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है उसको असाइन किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, ऐसे ये प्लस इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है, ये शॉर्ट हैंड होता है लिखने का, तो इट एड्स राइट हैंड ऑपरेंड टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अब फॉर एग्जाम्पल सी प्लस इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या है, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि सी में हमें ए एड करके रिजल्ट मिलेगा। ऐसी सब्ट्रैक्ट में भी ऐसी हो जाएगा, बिल्कुल सी माइनस ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी में से ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो यही है। मल्टीप्लाई में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई ए, यानी कि जो भी यहाँ दिया है ऑपरेटर यहाँ पर और जो भी यहाँ पर ऑपरेंड दिया है, तो उसमें वो इस पे अप्लाई होके वो रिटर्न हो जाएगा इसी में। ठीक है, अब डिवाइड में भी सेम एज इट इज हो जाएगा, c इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a। मॉड्यूलो में भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, c इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a। एक्सपोनेंट में भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, c एक्सपोनेंट इक्वल टू a, यानी कि c इज इक्वल टू c एक्सपोनेंट a। ठीक है, फ्लोर डिवीजन भी बिल्कुल सेम एज इट इज ही होगा, c इज इक्वल टू c फ्लोर डिवीजन a, ये हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंड की आईडी चेक करता है, अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट वन आ जाता है, अगर सेम नहीं है तो रिजल्ट वन नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑपरेटर हमारा इज ऑपरेटर, इज ऑपरेटर क्या करेगा, इवेलुएट्स टू ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा, दैट मीन्स वन आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। इस डॉट में क्या है, इवेलुएट्स टू फॉल्स इफ द वेरिएबल्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो हमारा ये फॉल्स आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये क्या करते हैं, दोनों ऑपरेटर एक दूसरे की आईडी चेक करते हैं, अगर आईडी सेम हो गई तो हमारा इस ऑपरेटर में वन आ जाएगा, और आईडी अगर सेम नहीं है तो इस नॉट में वन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। तो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं, तो हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़े हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने दोनों की टेबल बना ली है। तो पहले एंड की बात करते हैं, ये एंड की ट्रुथ टेबल है एंड ऑपरेटर की। तो इसमें क्या होता है, अगर जब हमारे दोनों दोनों ऑपरेंड वन होते हैं तो हमारा आंसर तभी ट्रू आता है, तभी आता है ट्रू। दैट मीन्स इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी हमारा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, और में क्या होता है, अगर एक भी हमारा ट्रू हो गया तो हमारा आउटपुट ट्रू हो जाता है। ये ट्रुथ टेबल तो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो लॉजिकल में, लॉजिकल और में क्या है, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। तो और में क्या होगा, अगर हमारे दोनों फॉल्स हो गए तभी फॉल्स होगा हमारा, और अगर एक भी हमारा ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। और नॉट में क्या होता है, नॉट को रिवर्स कर देता है वैल्यू को, तो यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। तो अगर क्या होता है, ट्रू होता है तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होता है तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर भी कुछ कुछ हद तक लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 13 है, और दोनों ए और बी दोनों वैल्यू को हमने आपको डेसिमल टू बाइनरी करना बहुत अच्छे से आता है। तो 60 की हमने बाइनरी वैल्यू लिख ली और 13 की हमने बाइनरी वैल्यू लिख ली। इसके बाद अब देखते हैं आगे हमारी टेबल में, सबसे पहले है हमारा बाइनरी एंड। बाइनरी एंड में क्या हो जाएगा, ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स।
मीन्स अगर दोनों में होगा तो सेम आ जाएगा आंसर। मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको बाइनरी एंड में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, हम एक एक बिट को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 कब आएगा, जब दोनों में 1 होगा, ठीक है। लेकिन दोनों में 1 नहीं है तो यहाँ पर 0 आ गया। ऐसे ही अब दोनों में 0 है, तो दोनों में 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब दोनों में, यहाँ पर दोनों में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ हमारा 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों में सेम नहीं है, दैट मीन्स फिर से 0 आ जाएगी। यहाँ भी दोनों में सेम नहीं है तो फिर से 0 आ जाएगी। यहाँ दोनों में सेम 0 है तो 0 आ गई। यहाँ भी दोनों में सेम 0 है तो 0। ऐसे हमारा बिटवाइज एंड चलेगा। क्या कंडीशन क्या है, दोनों में अगर होगा, दोनों ऑपरेंड्स में अगर वैल्यू बिट सेम है तो ही वो कॉपी हो जाएगी, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। बाइनरी और में क्या होगा, इट कॉपीज द बिट इफ इट एग्जिस्ट इन ईदर ऑपरेंड। इसमें क्या होगा, जैसे और ऑपरेटर में होता है, अगर एक बिट ट्रू हो जाता है तो वो कॉपी हो जाता है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर देखो, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 कॉपी हो जाएगा। अगर उसने कहा अगर एक में भी 1 हो गया, और ऑपरेटर का काम ही होता है अगर एक बिट ट्रू हो जाए तो हमारा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 1, तो दोनों 1 है तो 1 होना ही है। यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये भी 1, ठीक है। 1 0, एक में 1 आ गया तो 1 आ जाएगा। सी सेम 1 0, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा लॉजिकल और हो गया, बिटवाइज और ऑपरेटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बाइनरी एक्सोर की बात करते हैं। इट कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन 1 ऑपरेंड बट नॉट, दैट मींस सिर्फ एक में सेट होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब देखो यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, दैट मीन्स एक में है तो हमारा कॉपी हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर 0, ये भी 0, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, अब 1 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में नहीं होना चाहिए सेट, सिर्फ एक में सेट होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो एक में हमारा वैल्यू ट्रू हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। सेम 1 0 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0, तो ये है हमारा एक्सोर का काम। अब इसके बाद आता है बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सेम वही फ्लिप कर देगा बिट को, यानी कि 0 होगी तो 1 हो जाएगी, 1 होगी तो 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू है हमारी 0 0 1 1 1 1 0 0, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी, जहाँ 0 है वहां 1 आ जाएगा। तो यानी कि 0 0 है, यानी कि 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 और 0 0 की जगह 1 1, बिल्कुल बिट हम रिवर्स कर देंगे। अब इसके बाद आता है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। मींस कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, यानी कि ऑपरेंड कितना शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, टू टू प्लेसेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे होता है। तो देखिए जो ए वाली वैल्यू है, इसको हम लेफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं और टू प्लेसेस पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये वाली जो टू बिट्स हैं, ये स्किप हो जाएंगे, दैट मीन्स ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग में हमारा 1 1 आ जाएगा और सारी शिफ्ट होती चली जाएंगी। फिर ये वाली बिट यहाँ आ जाएंगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, तो ये 1 1 हो गया और फिर ये हमारा 0 0 हो जाएगा, और जो ये 0 0 बची है ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, टू प्लेसेस में राइट शिफ्ट करना है, तो हम इधर से शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा लास्ट में 1 1 आ जाएगा। फिर ये टू जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएंगे और लास्ट में हमारी 0 0 आ जाएगी। तो अगर लेफ्ट में शिफ्ट करने को कह रहा है तो हम इधर को कर देंगे, सॉरी राइट में शिफ्ट करने को कह रहा है और लेफ्ट में कर रहा है तो हम इधर को शिफ्ट कर देंगे, और जितनी भी वैल्यू दी है उतनी ही प्लेसेस पे हम शिफ्ट कर देंगे। अब आते हैं लास्ट हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इन और नॉट इन। तो ये क्या करें, ये इवेल्युएट करते हैं कि जो वैल्यू है, जैसे एक्स एंड वाई है, तो ये चेक करेगा कि जो
सीक्वेंस एक्स है वो वाई में है कि नहीं है। अगर इनकी बात कर रहे हैं, अगर है तो हमारा वन आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और नहीं है तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। नॉट इन में क्या होता है, ये चेक मतलब ये इसमें सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स नॉट इन वाई। तो क्या होना चाहिए, जो एक्स सीक्वेंस है वो वाई में नहीं होना चाहिए, तो अगर नहीं होगा तो ही हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, जैसे इज और इज वाला था ना, ऐसे ही हमारा ये इन और नॉट इन है। मेंबरशिप इन है तो मेंबर है, सीक्वेंस मेंबर है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो फॉल्स है, ये इसका ओपोजिट हो जाएगा।